आइया हेलो हेलो सर यहां पे सामने सर सर जो सर सर इधर देखिए सर एक मिनट लीजिए सर एक मिनट लीजिए सर I'm very happy for getting this game changer of the year award. तीन फिल्मों ने कामयाबी हासिल की, ऐसी फिल्मों ने जिनका सोसाइटी से बहुत ही लेना देना था, जिनका इम्पैक्ट सोसाइटी पर और सोसाइटी से जुड़ी हुई बातों का, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, चाहे वो कार्तिकेय 2 हो और अब ऊंचाई, ये तीनों फिल्में एक अंदर तरीके से तो एंटरटेन की हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत किया है लोगों पर। अभी मैं ऊंचाई फिल्म चल रही है, इसको बहुत लोगों ने पसंद किया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी, मैं उनको भी अवार्ड देना चाहता था। वो इतनी देर से, इतनी शिद्दत से और इतने पैशन से जिन लोगों ने भी अचीव किया है लाइफ में, उनको खड़े होकर इतनी देर तक अवार्ड दे रहे थे, इससे उनकी जो है सेंस ऑफ कमिटमेंट लोगों के प्रति, अपने दिए हुए काम के प्रति नज़र आती है। एंड आई एम कंग्रेचुलेटिंग देम फॉर द गुड वर्क दे आर डूइंग। सर आपको ऊंचाई मूवी आई है, लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, आगे भी क्या ऐसी मूवी देखने को मिलेगी? बहुत प्यार मिल रहे हैं, बहुत बारीक अच्छे मूवी देखने को मिले, हर मूवी क्या बोला जाता। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम लोगों का, और ऊंचाई सूरज बरजातिया की बहुत बेहतरीन फिल्म है। सूरज बरजातिया और राजश्री प्रोडक्शंस ने 75 सालों में 60 फिल्में बनाई हैं, लेकिन अपनी ज़मीन से हटकर, अपने जो प्रिंसिपल से हटकर उन्होंने कभी कोई फिल्म नहीं बनाई है, और बहुत सारी मात्रा में लोग जा रहे हैं एंड इट्स इम्पैक्टिंग पीपल एंड आई एम वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद ऊंचाई। सर आपने बहुत बहुत अच्छा है, मतलब इसमें मैं सटल होने की कोशिश करने की भी नहीं कर रहा। इट्स अ ग्रेट ईयर फॉर मी, इट्स अ ग्रेट ईयर फॉर द ऑडियंसेस, इट्स अ ग्रेट ईयर फॉर पीपल। और अकेला इंसान जो है वो कभी कामयाबी का हकदार नहीं हो सकता। मेरे साथ 400 लोग जो यूनिट के लोग थे, बाकी कलाकार, बाकी एक्टर्स, बाकी यूनिट वाले, लाइटमैन, टेक्नीशियंस, उन सबका भी सहयोग होता है। बट क्योंकि एक्टर पर्दे के सामने होते हैं इसलिए नाम उनका होता है, बट आई वॉन्ट टू थैंक दैम फॉर ब्लेसिंग मी एंड थैंक द ऑडियंस फॉर ब्लेसिंग मी विद दिस 3 मोस्ट अमेजिंग फिल्म ऑफ द ईयर। थैंक यू। कम ऑन द लेफ्ट। सर यहाँ पे सर यहाँ पे सर यहाँ